लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर रोड में इस्लामपुरा, गुलशन रावी, गढ़ी शाहू, लक्ष्मी चौक, डेविस रोड, चुबुर्जी और शिमला पहाड़ी समेत दीगर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। जहलम, वजीराबाद, डस्का, गुजरावाला और मुरिदके में भी जल थल एक हो गया। गर्मी का जोर टूटने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को एक और झटका। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 7.45 रुपये महंगा, नई कीमत 265.61 रुपये फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9.56 रुपये इजाफा, 277.45 रुपये फी लीटर हो गया। वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इतलाक हो गया। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। ECC ने कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस महंगी करने की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेरे सदारत इक्तसादी राबता कमेटी का इजलास। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस फी MMBTU 250 रुपये इजाफे की मंजूरी। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस फी MMBTU 2750 से बढ़कर 3000 रुपये मुकर्रर। गैस के नरखों में इजाफे से 74 अरब रुपये का इजाफी रेवेन्यू हासिल होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर मुल्क भर में नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। 8 फरवरी के इंतखाबात किसी सूरत कबूल नहीं, नए इंतखाबात कराए जाएं, इस्टेब्लिशमेंट इंतखाबात से दूर रहे। इस हुकूमत में इतना दमखम नहीं हमारे तहफ्फुज़ात का अजाला कर सके। अमरीकी कांग्रेस ने किसी वजह से ही इलेक्शन को मशकूक करार दिया है। हमारी वाज़ेह राय है कि अमरीका पाकिस्तान के मामला से दूर रहे, अमरीका को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान की रियासत और खारजा पॉलिसी कहाँ खड़ी है? तमाम इदारे अपने दायरेकार से वाबस्ता हो जाएं, कब इदारों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा? मुल्क के दिफा के मामले पर कौम फौज के शाना बशाना खड़ी है। पाक चीन तालुकात की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हैं। ऑपरेशन अजम इस्तेहकाम में भी यकसुई नहीं पाई जा रही। अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए अफगानिस्तान में हमले की बात करते हो। PTI के खिलाफ हमारा मौकफ और तहफ़ुज़ात संजीदा हैं। PTI हमसे मुज़ाकरात करना चाहती है तो खुश आमदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत में अब तक यकसुई का फुकदान है। JUI सरबराह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आइंदा इंतखाबात मुकर्रा वक्त पर होंगे, अतात आरड का मौलाना को जवाब। फजलुर रहमान हमारे बुजुर्ग और काबिल एहतराम सियासतदान हैं। सियासत में तमाम मसाइल का हल सिर्फ मुजाकरात में है। मौजूदा सूरत हाल में बयानबाजी के बजाय पार्लिमान में सियासत होनी चाहिए। हुकूमत की बेहतर माशी हिकमत अमली से स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंदी पर है। तजारती खसारा कम होने के साथ रुपये की कदर मुस्तहकम होना खुशाइन है। मौलाना साहब को हुकूमत के माशी बेहतरी के इकदाम को सराहना चाहिए। वजीर इत्तला'आत अतात आरड। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान मुज़ाकरात। PTI ने 5 रुकने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। बैरिस्टर गोहर अली खान, उमर अयूब, असद कैसर कमेटी में शामिल। शिबली फराज और रऊफ हसन भी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच आज समाप्त करेगा। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा की सरबराही में दिन 11:30 बजे समाप्त होगी। आज इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर महमद दलाइल देंगे। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नायक भी दलाइल पेश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। ₹70 पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी का फौरी तलाक नहीं हो रहा। महंगाई 38 से 12% पर आ गई। मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ रहा है। आइंदा 3 साल में टैक्स टू GDP को 13% पर लाएंगे। FBR का 9.3 ट्रिलियन का टारगेट पूरा हो जाए। नॉन फाइलर के अख्तरा मुल्क से निकालेंगे। बजट में नॉन फाइलर्स को सजा देने जा रहे हैं। तामीराती शोबे को भी टैक्स नेट में ला रहे हैं। आज से रजिस्टर्ड रिटेलर्स पर टैक्स आयद होगा। IMF के बगैर हम आगे नहीं जा सकते। यकीन है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। अगले 2 से 3 रोज में एक्सपोर्टर्स को टैक्स रिफंड क्लियर हो जाएंगे। सेल्स टैक्स में 750 अरब रुपये की करप्शन हुई। नए टैक्सों की वजह से लोग दबाव महसूस कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने दासू डैम के लिए $1 अरब की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
FBR ने हदफ से भी ज्यादा वसूलियां कर ली। 9,252 अरब हदफ के मुकाबले में 9,306 अरब रुपए जमा किए। FBR ने मुकर्रर करदा सालाना हदफ से 54 अरब रुपए जायद जमा किए। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में महसूलात की वसूली में 30% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता माली साल 7,164 अरब रुपए जमा किए गए। FBR ने सिर्फ जून में 1,183 अरब रुपए जमा किए। माली साल के दौरान 469 अरब रुपए के रिफंड्स भी जारी। बराह रास्त टैक्सेस का हिस्सा 47% रहा। डोमेस्टिक टैक्सेस की मद में 6,128, दरामदी टैक्सेस की मद में 3,178 अरब रुपए जमा हुए। FBR शहरियों की किसी किस्म की भी सर्विलेंस गैर कानूनी अमल है। वज़ीर आज़म बताएं क्या कानून और आइन के बरखिलाफ शहरियों की सर्विलेंस जारी है। वज़ीर आज़म बताएं सर्विलेंस सिस्टम का इंचार्ज कौन है जो शहरियों की प्राइवेसी को मुतासर कर रहा है। अदालत उम्मीद करती है वज़ीर आज़म रिपोर्ट्स तलब करके मामला काबीना के सामने रखेंगे। बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। PTA ने अपनी रिपोर्ट में सर्विलेंस सिस्टम से मुतालिक गलत बयानी की है। चेयरमैन PTA और अरकान को तोहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी किया जाता है। PTA बताए सर्विलेंस सिस्टम कहाँ नस्ब है, किस किस को इस सिस्टम तक रसाई हासिल है। तमाम टेलीकॉम कंपनियां यकीनी बनाएं इनके सिस्टम तक रसाई ना हो। टेलीकॉम कंपनियां अपना डाटा मुकदमात की तफ्तीश के लिए तहकीकाती इदारों से शेयर कर सकती हैं। वफाकी हुकूमत के इन चैम्बर समात की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। तहरीरी हुक्मनामा वज़ीर-ए-आला पंजाब का आवाम की आसानी के लिए अहसन इकदाम। पंजाब भर में लाखों नौजवानों के लिए बाइज्जत मुलाजमत के मौके। मरियम नवाज ने खसूसी हिदायत पर दस्तक नुमाइंदों के रजिस्ट्रेशन का आगाज। प्रोग्राम का दायराकार बतदरीज तमाम अजला तक बढ़ाएंगे। दस्तक प्रोग्राम के सर्विसेज 10 से बतदरीज बढ़ाकर 65 तक करने पर काम शुरू हो चुका। आवाम को दफातर के चक्कर काटने के बजाय घर बैठे तमाम सर्विसेज मैसर होंगी। दस्तक प्रोग्राम से करप्शन और इस्तेहसाल का खात्मा होगा। दस्तक सर्विसेज की फराहमी से नौजवान बाइज्जत तरीके से रोजाना हजारों रुपए कमा सकेंगे। पंजाब डिजिटाइजेशन के इनकलाबी दौर में दाखिल हो चुका है। मजीद मुस्बत और नहायत मुफीद तब्दीलियां लाएंगे। मरियम नवाज की गुफ्तगू। हम पार्लिमानी निज़ाम और जमहूरियत कबूल नहीं कर पाए। कसूर इदारों या आइन का नहीं अफराद का है। बदकिस्मती से पार्लिमान को चलने नहीं दिया जाता। असेंबली में बैठे लोग आवामी नुमाइंदे नहीं लाए गए अफराद होते हैं। कानून साजी बगैर बहस के बिल्डोज करके की जाती है। बैरूनी दौरे महज सैर सपाटे तक महदूद रहते हैं। पार्लियामेंटेरियन से बात करने तक का हक भी छीन लिया गया है। वजारत ब्यूरोक्रेट चलाता है, जिम्मेदारी वजीर पर आती है। जमहूरियत चलाने के लिए ये मसाइल हल करने पड़ेंगे। सबक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी का पायदार जमहूरियत के उनवान से सेमिनार से खिताब।